हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ऑल एग्जाम्स हब। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत बड़ी वैकेंसी लेकर के आए हैं और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वैकेंसी है और आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे टोटल 709 वैकेंसी हैं और यहाँ पर टेंटेटिव वैकेंसी यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इन वैकेंसीज़ को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। तो डिटेल में आपको बताएंगे कैसे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है और मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन और यहाँ पर आप पीएचडी वाले कैंडिडेट्स, साथ ही यहाँ पे 10th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी पोस्ट हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट। डिटेल में आपको बताएंगे कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, क्या लास्ट डेट है, क्या प्रोसेस है और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो भी है वो सब मिलेगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहें दोस्तों और इसी तरह की रेगुलर टीचिंग नॉन टीचिंग वैकेंसीज और पीएचडी एडमिशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी का करियर पेज और आप जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में है और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ से बहुत टाइम बाद एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है। 17 अप्रैल का नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पड़ा हुआ है ऊपर, रिक्रूटमेंट नॉन टीचिंग पोजिशन एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2023। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। मैं आपको टॉप पर लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 मई 2023 है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार इस एग्ज़ाम को NTA कंडक्ट करा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेबसाइट जो दी गई है vbharatirecruitment.nta.ac.in, तो यहाँ पर जो है इस वैकेंसी को NTA कंडक्ट कराने वाला है क्योंकि इस वेबसाइट को देखकर पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर NTA.ac.in लिखा हुआ है। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी ये लिंक ओपन नहीं हो रहा है, ये लिंक नॉट फाउंड बता रहा है। बाकी ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल है, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि अभी नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो शायद अभी ये वैकेंसी स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन नोटिफिकेशन ऑफिशियल है और डिटेल में हम आपको आगे बताते हैं कि कौन कौन सी पोजीशंस है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रजिस्ट्रार की पोजीशन है, नंबर ऑफ पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 1 पोस्ट है, फाइनेंस ऑफिसर की 1 पोस्ट है, लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है। इसके बाद आप देखेंगे डेप्यूटी रजिस्ट्रार की 1, इंटरनल ऑडिट की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 6 पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 2, सेक्शन ऑफिसर की 4, असिस्टेंट सीनियर और असिस्टेंट की 5, अपर डिवीजन क्लर्क जिसको UDC कहते हैं उसकी 29 पोस्ट है और लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि LDC की 99 पोस्ट है और सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की 405 वैकेंसीज अवेलेबल है और ये सभी कैटेगरी में है, SC ST OBC EWS और आपका PH कैटेगरी में भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और यहाँ पर फिर आप नीचे आ जाएंगे, प्रोफेशनल असिस्टेंट की 5 वैकेंसीज हैं, सेमी प्रोफेशनल की 4, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 30 वैकेंसीज हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 16, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 45 वैकेंसीज हैं। इसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल में आप यहाँ पे देख पाएंगे एक एक वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर सिविल में 9 वैकेंसीज है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में 1, प्राइवेट सेक्रेटरी की 7 वैकेंसीज हैं और इसी तरह से आप नीचे देखते जाएंगे तो आपको कई सारी वैकेंसीज मिलेंगी। थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, टेक्निकल असिस्टेंट में 17 वैकेंसीज आपको दी गई हैं, टोटल 709 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पर आप जब नीचे विजिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि सबका पे मैट्रिक्स जो है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जितनी ग्रुप ए की जो वैकेंसीज हैं जो कि एकेडमिक लेवल 14 की हैं उनका जो है ग्रेड पे ईयर रहने वाला है, एकेडमिक लेवल 10 का है तो आपका ग्रेड पे ईयर रहेगा, लेवल 14 है तो ये ग्रेड पे रहेगा, लेवल 12 में है तो आपका ग्रेड पे 7600 रहेगा, लेवल 10 में 5400 और इसके बाद ग्रुप बी में आ जाते हैं तो लेवल 7 में आ जाते हैं 4600 और लेवल 6 में 4200। इसके बाद बाकी ग्रुप सी की हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे लेवल 5, 4, 3, 2 एंड 1, तो यहाँ पे सबका ग्रेड पे दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग। ओके, इसके बाद आप नीचे जब विजिट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज लिमिट क्या दे रखी है, जो लेवल 14 के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए एज जो है 57 ईयर से कम होनी चाहिए, पे लेवल 12 वालों के लिए 50 ईयर्स होनी चाहिए एज और पे लेवल 12 जो है उनके लिए 56 ईयर्स होनी चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफिसर। और यहाँ पर एकेडमिक लेवल 10 और पे लेवल 10 वालों के लिए यानी कि अदर ग्रुप ए पोस्ट के लिए मैक्सिमम 40 ईयर्स और यहाँ पर पे लेवल 6, 7 एंड 6 के लिए 35 ईयर्स और पे लेवल 1, 2, 4 एंड 5 के लिए 32 ईयर एज जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। ओके, इससे ज़्यादा एज जो है आपकी नहीं होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ पर अब हम नीचे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं रजिस्ट्रार की मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपके पास 15 साल का आपका जो है
एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, बाकी अदर क्वालिफिकेशन आपके सामने नीचे दी हुई है। दोस्तों डिटेल में इतना मैं आपको एक एक क्वालिफिकेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 पेज का ये नोटिफिकेशन है, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। एक एक डिटेल में अगर मैं आपको बताऊंगा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लाइब्रेरी की आप देख सकते हैं, मास्टर्स डिग्री आपको चाहिए लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस इसमें, और साथ ही पीएचडी डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस भी आपको इसमें मांगा गया है। ओके, और इसके बाद नीचे विजिट करते हैं, कुछ आपको मैं वैकेंसीज का और बता देता हूँ। जैसे कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन का मास्टर्स डिग्री यहाँ पे मांगा गया है, साथ ही यहाँ पे यूजीसी नेट भी मांगा गया है, आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास पीएचडी होना कंपलसरी है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की आप देख सकते हैं, मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इसके बाद नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पर आपको असिस्टेंट सीनियर अपर डिवीजन क्लर्क की आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ बैचलर्स डिग्री मांगी गई है और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको एज अ लोअर डिवीजन क्लर्क या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का जो है वो होना चाहिए। एलडीसी के लिए देख लेते हैं, एलडीसी के लिए बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट आपसे मांगा गया है, सिंपल सी क्वालिफिकेशन है, तो इसमें आप बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी वैकेंसीज भी हैं। एमटीएस में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं और यहाँ पर सिर्फ 10th पास या फिर आईटीआई पास अगर आप हैं, किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई आपका होना चाहिए लेकिन, और आप बोर्ड कोई भी हो आपका उससे आप जो है 10th पास हो तो आप यहाँ पर एमटीएस में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल आपको नीचे मिल जाएगी, आप एक एक करके अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। पूरे पेज नंबर 15 तक आपको जो है क्वालिफिकेशंस मिल जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं, एस सी एस टी को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन, ओबीसी एनसीएल को 3, पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी वालों को 13 साल, पीडब्ल्यूडी एस सी एस टी को 15 साल और एक्स सर्विसमैन को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो काफी इससे हेल्प हो जाएगी इन लोगों को, इन कैटेगरी के लोगों को, तो जरूर से जो है यहाँ पर अप्लाई करें। ओके, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा अगर आप कहीं पे वर्किंग है, और यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको नीचे और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, ग्रुप एंड लेवल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए। ग्रुप ए पोस्ट के लिए आपको यूआर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 2000 रुपये फीस देनी होगी, एस सी एस टी को 500 और वुमेन एंड पीडब्ल्यूडी अगर 40% से अब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आप आते हैं तो निल, यानी कि वुमेन्स के लिए फीस एकदम फ्री है। वुमेन्स यहाँ पे जरूर अप्लाई करें, उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, यहाँ पर आप जरूर से अप्लाई करें। ओके, बाकी आप देख सकते हैं पोस्ट जो ग्रुप ए की लेवल 12 और 10 की है उनके लिए 1600 और 400 रुपये है, ग्रुप बी के लिए जो कि लेवल 7 और 6 की है इनके लिए 1200 और 300 रुपये फीस रखी गई है, और ग्रुप सी की जितनी पोस्ट है उनके लिए 900 रुपये और एस सी एस टी के लिए 225 और वुमेन्स और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए निल, कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। तो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गर्ल्स वुमेन्स उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर से अप्लाई करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 16 मई रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट आपको दी हुई है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए नीचे इन्होंने बता दिया है कि फॉर एनी टेक्निकल क्वेरी इशूज इफ एनी फेस बाय द एप्लीकेंट कैंडिडेट वाइल अप्लाइंग प्लीज कॉन्टैक्ट द एनटीए एट द ईमेल आईडी एंड टेलीफोन नंबर एज वुड बी गिवन बाय एनटीए इन द पोर्टल। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि एनटीए ही इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला है, बस ये पोर्टल जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो जरूर से टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइएगा, बिल्कुल भी देर मत करिए। और दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इन्होंने दी हुई है, सिलेबस वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, नॉन टीचिंग पोस्ट है और लाइब्रेरी कैडर की जो पोस्ट है उनके लिए एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस आएगा, 30 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स का आपका जो है ये होगा, यानी कि हर क्वेश्चन आपको 2-2 मार्क्स का है। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस होंगे, मैथमेटिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी जो भी आप सेलेक्ट करेंगे आई थिंक उससे रिलेटेड होंगे 30 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर 300 नंबर का आपका जो है वो एग्जाम होगा। टोटल सिलेबस आप देख सकते हैं नीचे पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि जनरल अवेयरनेस में क्या आएगा, रीजनिंग एबिलिटी में क्या आएगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पे नीचे दे रखी हैं। इसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं पेपर 2 MCQ फॉर दी फॉलोइंग पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी इन्होंने नीचे दिया हुआ है, तो इनको भी आप चेकआउट कर सकते हैं किस पोस्ट के लिए क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, तो जरूर से एक बार इसको चेकआउट कर लें, पूरा डिटेल में आपके सामने दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्किल टेस्ट होगा क्वालिफाइंग जिन जिन पोस्ट के लिए वो भी यहाँ पे बताया गया है कि कितने मिनट का टेस्ट होगा, कितना आपका स्पीड होनी चाहिए, सारी चीज़ें इन्होंने पूरे नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी हैं। ओके, यहाँ पे कुछ पोस्ट के लिए प्रैक्टिकल भी आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल और ट्रेड
टेस्ट फॉर दी फॉलोइंग पोस्ट। तो इन पोस्ट के लिए आपका जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट जो है वो भी लिया जाएगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करें। एनटीए करा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जेन्युइन होगा, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज हैं तो ज़रूर से यहाँ पे अप्लाई करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है विश्व भारती यूनिवर्सिटी से। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं दोस्तों अप्लाई कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए या फिर इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा फॉर्म फिल करवाने में। और भी कोई अगर आपका इशू या क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको 100% मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वैकेंसी या फिर पीएचडी एडमिशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।